आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। मैंने पनीर लिया है करीब 250 ग्राम और बटर है, 5 टमाटर है, मीडियम साइज के टमाटर आप ले सकते हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक है और 2 प्याज है मीडियम साइज के, और 12 से 15 मैंने काजू ले लिया है। चलिए ये सब कट कर लेते हैं और बाकी की प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पनीर को मैं कट कर लूंगी, टमाटर बाकी है, प्याज वगैरह। फिर मैंने टमाटर, प्याज और पनीर कट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। मैंने गैस पर पैन चढ़ा लिया है, अब हम इसमें बटर डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें 2 इलायची डालेंगे, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, अदरक मैंने ऐसा कट कर लिया है, लहसुन, ग्रीन चिल्ली, काजू, काजू मैंने 12 से 15 ले लिया है, तेज पत्ता डालना था मैं भूल गई, इसे पहले ही डाल दिया। अब कटा हुआ प्याज डालेंगे, गैस को हम लो फ्लेम में कर लेते हैं और एक साइड में बाकी के मसाले हम रेडी कर मसाला रेडी करेंगे हम। मैं टीस्पून से मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, थोड़ा से मसाले वाले डब्बे से मैंने स्पून यूज किया है, हल्दी, ये प्लेन दही है, इसमें मैं लूंगी 3 चम्मच, 3 टीस्पून दही, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, ध्यान रहे दही खट्टा ना रहे ज्यादा, फ्रेश दही इस्तेमाल कीजिए अच्छा रहेगा। लास्ट में बटर डाल दीजिए इसमें। मिक्स ना करें तो भी चलेगा, अगर इसको रूम टेम्परेचर में हम छोड़ दें तो ये मेल्ट हो जाएगा, अपने आप मिक्स भी हो जाएगा। देखिए प्याज अच्छी तरह से पक गया है और गोल्डन ब्राउन ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर जो मैंने काट कर रखा था इसे हम अच्छा से पकने देंगे। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर के पानी निकलने तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये पक जाए हम पनीर को डीप फ्राई कर लेंगे। चलिए पनीर इसको एक साइड कर देते हैं और पनीर को हम डीप फ्राई करते हैं। पनीर को डीप फ्राई करना आपकी पसंद के ऊपर है, किसी किसी को डायरेक्ट कच्चा पनीर डालते हैं ग्रेवी में तो भी पनीर पक जाता है, लेकिन अगर किसी को डीप फ्राई पसंद है तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मतलब हल्का समय डीप फ्राई करूंगी इससे पनीर को, और मुझे डीप फ्राई वाला पनीर पसंद है। चलिए तो तेल गर्म हो गया है और या इस तरफ में टमाटर का पानी भी सूख गया है। जो मसाले रेडी किए हैं बटर के साथ में उसे डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से पकने देंगे, जब तक ये मसाले पक जाए हम पनीर डीप फ्राई करते हैं।
मैंने एक बाउल में पानी लिया है और ये जो तला हुआ जो पनीर है इसे हम पानी में डालेंगे ताकि पनीर का जो सॉफ्टनेस है वो बना रहे। इसी तरह हम बाकी के पनीर भी तल लेंगे। ये मैंने पनीर को तलने के बाद पानी में डाल दिया है और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है स्वाद के लिए। बस इसी तरीके से आप पनीर को तलकर पानी में डालने से इसका जो सॉफ्टनेस बना रहता है तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। इसी तरीके से आप पनीर को फ्राई कीजिए। देखिए मसाले भी अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद हम इसे ग्राइंडिंग करेंगे। मसाले ठंडा हो गया है, अब हम इसमें से तेज पत्ता या आपको लौंग भी अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ तेज पत्ता निकाल रही हूँ और इसे ग्राइंडिंग कर रही हूँ। मैंने मसाले ग्राइंडिंग कर लिया है, अब हम इसे स्ट्रेनर से अच्छे से स्मूथ पेस्ट निकाल लेते हैं छान कर। ये मैंने ग्रेवी को छान लिया है, कुछ इस तरह से हुआ है। चलिए हम आगे के प्रोसेस देखते हैं। चलिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, अब इसको हम एक लास्ट का फिनिशिंग टच देते हैं। इसके लिए मैंने अब पनीर बटर मसाला है तो बटर से ही मैं सारा कुछ फिनिश करूंगी। इसे मैंने 2 क्यूब्स बटर ले लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। एक बड़ी प्याज मैंने लिया है। देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। नमक, अब मैंने जो मसाला पीस कर रखा है इसे अब इसे डालेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा से कसूरी मेथी हम डालेंगे इसमें, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया था। अब हम पनीर डालेंगे इसमें।
थोड़ी देर इसे पकने देंगे हम। बस हमारा बटर पनीर मसाला रेडी है। देखिए पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए देखिए पनीर मटर मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसे धनिया के पत्तों से गार्निश करेंगे।